खबर जनपद रुद्रप्रयाग से है, जहां कार्तिकेय मंदिर के दर्शनों के लिए दक्षिण भारत से 269 यात्रियों का दल ऋषिकेश पहुंचा। यहां से यात्री अलग अलग समूह में कार्तिकेय मंदिर पहुंचेंगे। बता दें कि पूरे उत्तराखंड भारत में कार्तिकेय भगवान का एक अकेला मंदिर है जो रुद्रप्रयाग में क्रौंच पर्वत पर स्थित है। कार्तिक स्वामी मंदिर समिति के कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंह नेगी ने बताया कि भारत सरकार एवं पर्यटन विभाग के सहयोग से चेन्नई कार्तिक स्वामी बद्रीनाथ केदारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है, जिसमें 269 यात्रियों में से 89 यात्रियों का पहला दल कार्तिक स्वामी धाम के दर्शन के लिए पहुंच गया है। यात्रियों के दल का मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। वहीं आज अक्टूबर को 92 यात्रियों का दूसरा दल कार्तिक स्वामी मंदिर पहुंच रहा है, जबकि 88 सदस्यों का दल 10 अक्टूबर को कार्तिक स्वामी मंदिर दर्शनों को पहुंचेगा। आज हमारे कार्तिक स्वामी धाम में जो चेन्नई कार्तिक स्वामी बद्रीनाथ केदारनाथ एक्सप्रेस भारत सरकार के द्वारा पर्यटन विभाग के सौजन्य से लगाई गई है, उसमें आज 90 तीर्थ यात्रियों का दल कार्तिक स्वामी पहुंच चुका है, जिसमें हमारे कार्तिक स्वामी के तमाम पदाधिकारी और सदस्यगण, जिसमें मुख्य रूप से उपप्रबंधक श्री रमेश सिंह, प्रबंधक श्री पूरण सिंह नेगी जी, सचिव श्री बलराम सिंह जी, भाई लक्ष्मण सिंह जी, महावीर सिंह जी और तमाम हमारे दोनों पुजारी श्री नंदोपुरी महाराज जी और ताजोपुरी महाराज जी मुख्य रूप से इस दल का जो है स्वागत कर रहे हैं। और पुनः कल जो है 88 लोगों की टीम कार्तिक स्वामी में पहुंच रही है और 10 तारीख को 92 लोगों की टीम कार्तिक स्वामी में पहुंचेगी। तो हम चाहते हैं कि ये पर्यटन विभाग के सौजन्य से लगातार जो हमारे यहाँ पे तीर्थ यात्री बढ़ रहे हैं, इसके लिए हम जो है उत्तराखंड सरकार का और पर्यटन विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे सरकार से ये मांग है कि हमारे कार्तिक स्वामी धाम को जो है 5वें धाम के रूप में विकसित किया जाए। जय कार्तिकेय।